हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वैशाली और मेरे यूट्यूब चैनल वैशाली किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि चालू है और हमारे यहाँ पे ना 9वें 9 दिन ब्लॉक वाइज आरती होती है। तो आज हमारी आरती है, तो शाम को आरती होने की वजह से मैंने क्या किया ना, शाम का खाना दोपहर को ही बनाया। तो खाने में मैंने वेज दम बिरयानी और काकड़े का कचुम्बर बनाया। फिर मुझे प्रसादी भी बनानी थी, तो उसके लिए ना यहाँ पे पहले तो मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे 1 किलो जितना नारियल का बुरादा लिया है, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। और चाशनी मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चीनी की बनाई है। तो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल आपको रेसिपी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक तार की चाशनी बनाई है, तो इसमें 1 चम्मच जितना येलो फूड कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी चाशनी यहाँ पे बन के तैयार है, तो गैस को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म चाशनी हम ये नारियल के बुरादे में डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी करके चाशनी इसमें डाली है। फिर इसमें 1 चम्मच जितनी इलायची पाउडर और 1 किलो के हिसाब से यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जितना खोया इसमें डाला है। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ना 9वें 9 दिन बहुत ही शोर होता है, और मुझे गरबे का बहुत ही शौक है। मैं गरबा खेलने जाती हूँ, तो उसके वजह से क्या होता है ना कि देर से सोना, देर से उठना, हर एक काम को देरी होती है। तो उसके वजह से ना तो मैं वीडियो एडिट कर पाती हूँ और ना ही वॉइस ओवर कर पाती हूँ, तो वीडियो अपलोड करने में भी देरी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो लड्डू का मिक्स है उसमें मैंने बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाले और इसे अच्छे से मिक्स किया। फिर हम इसके ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ढेर सारे लड्डू बना लिए हैं। ये हमने दोपहर को ही बनाए, तो दोपहर से लेकर शाम तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। मैंने इसके ऊपर कॉटन का दुपट्टा ढका था। रात को हमारी आरती थी, तो हमने जो भी प्रसादी लड्डू की बनाई थी वो सब नीचे लेके आए, और आरती के बाद हमने माता जी की स्तुति करी, और स्तुति के बाद हमने थाल किया, और थाल के बाद हमने जो लड्डू की प्रसादी चढ़ाई थी माता जी को, तो वो हमने सबको दी। फिर ना 10 से 10:30 बजे तक गरबा चालू हुआ, तो हमने गरबा खेला। तो हमारे यहाँ पे ना फ्रेंड्स, 9वें 9 दिन तक पूरी नाइट गरबा चलता है, तो लोग गरबा खेल खेल के थक जाते हैं, तो बीच में ब्रेक होता है। तो हमारे यहाँ पे ना सोसाइटी की तरफ से ही नाश्ता होता है, तो आज नाश्ते में दही वड़े थे, तो हमने दही वड़े खाए और एन्जॉय किया। फिर ना सोसाइटी के बाहर आइसक्रीम वाला आया था, तो बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो हमने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई और हम सब लेडीज़ ने भी आइसक्रीम खाई और बहुत ही एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, हम तो हमारी नवरात्रि में खूब एंजॉय करते हैं, तो आप कैसे एंजॉय करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।